परिवार रहता है, 15-16 परिवार। हाँ, जिसको घर भी बोलते हैं इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? काम किया नहीं तो तुझे रस्सी में सुखा दूंगा। ये कुर्ता किस राक्षस का है? ये कुर्ता हमारे बड़े साहब का है। मतलब इन राक्षसों में से और भी एक बड़ा राक्षस है? ए, नीची आवाज में बात कर। ये लोग तो कुछ भी नहीं है, असली साहब तो वो है, मंगल सिंह चौहान, गुजरात गए हैं, आने वाले हैं। हेलो हेलो, पेट में खाड़ो पुरवा। हेलो, क्या खाड़ो? मैं खाड़ो नहीं खोदूंगा। नथी, थोड़ी बहुत गुजराती मुझे भी आती है। नहीं जम्मू, नहीं जम्मू, नथी चपाती है और मिठाई में घूघरा है। खाने में चोली सब्जी और क्या? चपाती। चपाती और मिठाई में क्या था? वो क्या बोलते हैं गुजराती में? घूंगरा है, घाघरा, घूंगरा, घूंगरा, घूंगरा। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अब कुछ नहीं हो सकता है। इस घर का असूल है कि एक बार किसी ने मना कर दिया तो दोबारा उसको खाना नहीं मिलता। अरे ये भगवान, क्या जुलूम है! सारा काम करूं मैं, खाए वो, अब कुछ नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, एक बार सबका खाना हो जाए। हाँ। कुछ खाना बचेगा तो मैं उनसे कह दूंगा, वो तुमको बुला लेंगे। कुछ करो ना, कुछ करो ना। जाके कपड़ा जा, गिल्ली कर रहा है मेरी। अचानक मुझे मेरा मालिक याद आ गया, इसलिए होश खो बैठा। अबे पहुंचू, ये तेरा मालिक नहीं है, ये बड़े साहब की इकलौती बहन के कपड़े हैं। जरा से भी फट गए ना तो बड़े साहब तुझे पार डालेंगे। हाँ, मुझे गुजराती नहीं आती, इसलिए जब उन्होंने खाने के लिए बुलाया तो मैं गया नहीं। मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है क्या? शू शू, हाँ शू तो मैंने टपके पॉलिश कर लिए और कपड़े भी धो डाले। अब मुझे क्या क्या बोला था उस नौटंकी ने? मुझे घाघरो चोली मिल सकता है क्या? शू, घाघरो ने चोली? हाँ, घाघरो चोली, घाघरो चोली। कौन हो घाघरो चोली? आप दो ना, आप दो ना। आलिया लाज वगैरह ना, तो यहाँ घाघरो चोली जो ये छे? जो ये छे, जो ये छे, जो ये छे। अगर आपको इतराज ना हो तो मैं अपने आप ले लेता हूँ। या आप मांगी छू, मांगी छू, मांगी छू, आप दो ना, आप दो ना।